अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि आज से इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स उसकी जो रजिस्ट्रेशन है यूजी एंड इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की, वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी। तो लगभग 11 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे साइट में, इसीलिए दिन में हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो फाइनली इस टाइम हम जो है ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है कि सारे एरर्स जो है उनका क्या सोल्यूशन है। तो बिल्कुल आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, सारी कन्फ्यूजन्स जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि स्टूडेंट गलत फिल कर रहे हैं या कोई गलत डिटेल डाल रहे हैं, उसी की वजह से उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। तो उन सारे एरर्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को आप बिल्कुल पूरा एंड तक देख लीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक फॉर्म अपना फिल अप नहीं किया तो आपको ऑनलाइन वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने फ़ोन से बिल्कुल 5 मिनट में ये फिल कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे आगे चलकर जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप इस वीडियो को देखो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है किस तरह से वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर टैप करोगे तो आपके पास इस तरह की साइट ओपन होगी। तो डेस्कटॉप मोड पे आपने साइट को रख लेना है, ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और नीचे आके यहाँ पर डेस्कटॉप मोड को आपने ऑन रख देना है। जो ऑन रखोगे तो साइट अच्छी तरह से वर्क करेगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 12th क्लास का रोल नंबर जो आपका है वो यहाँ पे डालना है। देन यूजर नेम आपने डालना है, यूजर नेम आप अपनी ईमेल आईडी लगा लो ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आ जाए, याद भी रहेगी। उसके बाद पासवर्ड यहाँ आप डाल सकते हैं अपने नाम के साथ @123 लगा लो ताकि याद रहे, इस तरह दिक्कत ना आ जाए। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ आपने डालना है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमने लगा ली। तो कुछ पार्ट वीडियो में ब्लर होगा क्योंकि पर्सनल डिटेल्स होती हैं स्टूडेंट्स की, वो हम शो नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ब्लर होगा उसमें, तो आप टेंशन उसकी नहीं लेना। तो यहाँ पे रोल नंबर वगैरह डाल के हमने सब, तो जो ही यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है, अभी फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। तो जो वहाँ पे हमने आईडी और पासवर्ड रखा था वो हमने याद रख लेना है। यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन कर लेते हैं हम। प्रोसीड टू लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाल देना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाल दिया और लॉगिन पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। साइट में थोड़ा लोड है, थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे आप देखें, हमने फॉर्म अपना जो है वो पेज अपने जो लॉगिन किया है तो ऊपर आपको रोल नंबर भी अपना दिखेगा और ईमेल आईडी जो आपने डाली वो यहाँ पे लिखेगी। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंडिडेट्स हुआ पास 10+2 इन सेशन 2021-22। यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसका ध्यान रख लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट्स हुए पास 10+2 एग्जामिनेशन थ्रू CBSE और प्रायर टू सेशन 21-22। इसमें स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा इसमें लग नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, जिन्होंने 2021-22 बैच में यानी लास्ट ईयर जिन्होंने 12th पास किया है वो इसमें जो है फर्स्ट लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। अगर आप नीचे वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्म ही ओपन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपने रोल नंबर डाला डिटेल्स उसके ही हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप रोल नंबर 2021 का डाल रहे हैं तो आप नीचे वाली लिंक पे क्लिक करोगे आपके फॉर्म वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें सर्वर एरर दिखाएगा, यहाँ पे ये ओपन आपका नहीं होगा। तो आपने सिंपली फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाले पे जूँ ही आप यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम फादर का नाम यहाँ पे वहीं से आ जाएगा। इस बात का आपने अच्छी तरह से ख्याल रख लेना है सेशन चूज करने में, क्योंकि अगर आप गलत दिखाओगे तो वहाँ पे आपको वो एरर आ जाएगा, जिसका ऑलरेडी मैंने स्क्रीनशॉट जो है टेलीग्राम पे आपको भेजा था, उसका ख्याल रख लेना है। तो यहाँ पे आपने कैंडिडेट नेम वहीं से आ जाएगा, फादर का नाम भी वहीं से आ जाएगा, स्ट्रीट और विलेज जो भी आपके गाँव का नाम होगा वो यहाँ पे डालनी है, डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करना है क्या है आपका, कंट्री चूज़ करनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, जेंडर अपना चूज़ कर लेना है, उसके बाद रिलीजन तो इस्लाम होगा ऑलरेडी या हिंदू होगा जो भी होगा वो यहाँ पे आपने डालना है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, ओपन से हैं तो ओपन चूज़ कर सकते हैं, एससी हैं तो शेड्यूल कास्ट और जो भी होगा एसटी है, एएलसी है, जो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एनसीसी की भी यहाँ पे ऑप्शन है, ईडब्ल्यूएसबी है, पीएसपी है, मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हैं, जो भी होगा वो आपने यहाँ से डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अपने हिसाब से यहाँ पे आपने डालनी है और ईमेल आईडी आपने डालनी है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्ट फॉर पेमेंट फॉर कंसिडरेशन इन सेल्फ फाइनेंस सीट जो है अगर आप उसमें फिल करना चाहते हैं। सेल्फ फाइनेंस सीट ये होती हैं, उसमें आपको फ़ी जो होगी कॉलेज की, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 किसी कोर्स की फी है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस में उसको लोगे तो आपको 20,000 देनी पड़ेगी, उसमें डबल फी होती है, डबल ट्रबल भी कभी कभी होती है, इस बात का आपने ख्याल रख लेना। अगर आपको उसमें सीट्स लेनी है तो आप यस कर दो, अदरवाइज आपने इसको नो ही रख लेना है।
एंड देन यहाँ पे आपना अपना फ़ोटो चूज़ कर देना है, और नीचे यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज़ करनी है। तो ये सारी डिटेल्स हमने फिल कर दिए, देन यहाँ पे आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। पहले 10th का रोल नंबर डालना है आपने, सेशन आपका कौन था एनुअल बाय एनुअल, ये रहा पासिंग कौन था वो यहाँ पे डालना है, सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे चूज़ करनी है कौन कौन सा यहाँ पे जनरली होगा, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेनड आपने कितने मार्क्स लिए और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे आपने डालकर यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्लिक कर देना है। तो कईयों का यहाँ पे नेक्स्ट नहीं आ रहा, उसका भी सोल्यूशन मैं बताऊँगा आपको। हम आ रहे हैं लास्ट वाले स्टेज पे, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट प्रेफरेंस चूज़ किए करने हैं। तो यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट्स आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, जो भी आपने करना हो जिसमें कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अप टू 4 प्रेफरेंसेस आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन नहीं आ रहा या नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है, तो फॉर्म हमारा 100% जो है सबमिट हो गया, और यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीव्यू फॉर्म का कोर्स वगैरह जो भी हमने रखा रोल नंबर। तो फी पेमेंट जो है यहाँ पे 300 करना है। फी पेमेंट किस हिसाब से होता है, जितने आप सब्जेक्ट्स प्रेफरेंस रखोगे, 4 रखोगे 400 देना पड़ेगा, 2 रखोगे 200 देना पड़ेगा, 1 रखोगे और 100 देना पड़ेगा। तो आपको पे करने के लिए क्या करना है, नीचे आके यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड नंबर आपने डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, सीवीवी और कार्ड होल्डर का नाम, और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और ओटीपी आ जाएगी अपने फ़ोन नंबर पे, वो डालनी है यहाँ पे आपने। तो आपका जो फॉर्म है वो 110% सबमिट हो गया। अब आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, उनको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्या मसला है वो मैं, उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बता देता हूँ। मसला क्या है उसमें, देखिए जो आप क्रोम ब्राउज़र से ओपन कर रहे हैं साइट को, देखिए ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके फॉर्म जो है वो यूजली पीसी लैपटॉप वगैरह से लगते हैं, फ़ोन से वो फिलअप नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, आप मैंने आपको बोला कि मैं फ़ोन से आपको समझा दूंगा, क्योंकि सुबह से लिंक एक्टिवेट हुई थी तो सुबह से हमने वीडियो नहीं डाला इस पर, क्योंकि एरर से बहुत वो सालों हो गए, चले उसको देखना नहीं है हमें। तो आपने क्या काम करना है इसको, अगर आपको वहां पे खुद फॉर्म फिलअप करना है तो आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां पे आपने पफिन ब्राउजर सर्च कर लेना है। पफिन ब्राउजर जो ही आप सर्च कर लोगे आपके पास ब्राउजर ओपन हो जाएगा, आपने उसको 30-40 एमबी का ब्राउजर है ओपन करके यहां पे आपको डेस्कटॉप रिक्वेस्ट डेस्कटॉप होगा, इस वाले ऑप्शन पे टैप करके आपने डेस्कटॉप मोड पे साइट रख लेनी है और अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। पफिन ब्राउजर क्या है, एक ऐसा ब्राउजर जो कंप्यूटर की तरफ यानी पीसी की तरफ वर्क करता है, जिस तरह पीसी में साइट वर्क करती है उसी तरह इसमें भी साइट वर्क करती है, पूरा आपको माउस वगैरह सब कुछ ऑप्शन यहां पे मिलता है इसमें। आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म विद इन 5 मिनट्स आप फिलअप कर लीजिए, और कॉन्शियसली अपने फॉर्म फिलअप कर लेना, क्योंकि एडिट में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें कहीं एडिट का। अच्छी तरह से बैठ के 8 तारीख तक, अभी इसकी डेट है, कोई एंट्रेंस नहीं है, मेरिट बेस्ड है, अच्छी तरह से बैठ के आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर लेते हैं, होपफुली आपने जो कन्फ्यूजन थे इसके वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे वहां से कॉल या मैसेज कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को खत्म कर लेते हैं।